हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन दी लार्ज इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म एकेडमी शिटिल पठान। माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन दी लार्ज इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म एकेडमी दिस फ्रेंड्स वेलकम यू ऑल ऑन दी लार्ज इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म एकेडमी शकील पठान। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आई एम ऑडिबल टू यू गाइस, सॉरी फॉर डिले, कुछ टेक्निकल एरर थी, इस वजह से क्लास स्टार्ट नहीं हो रहा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा गेट एएससी गेट 2022 के लिए, दिस विल बी द रिवीजन क्लास आईसीएन पावर प्लांट। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इंटरनल कम्बशन इंजन आईसीएन पावर प्लांट रहेगा। माय नेम इज मोहम्मद शकील पठान एंड आई एम एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर गेट एएससी, वर्क एज अ सीनियर फैकल्टी फॉर मेनी रेप्यूटेड प्रोग्राम्स इंडिया एंड हैविंग 9 प्लस ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, मेंटर मोर देन 1 लाख स्टूडेंट अक्रॉस इंडिया। एंड जो सब सब्जेक्ट है जो मैं इस ऐप पर लेने वाला हूँ, क्लास पे लेने वाला हूँ, फ्लूइड मैकेनिक्स ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ, थर्मोडायनेमिक्स अभी बचा है, आरएसी आईसी इंजन पावर प्लांट ये सब हम लोग ले चुके हैं, होम टॉम मटेरियल साइंस ये और सब्जेक्ट है जो क्लासेज में ले। हम लोगों को आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम चैनल और जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे एंड अकेडमी की जितने भी लेक्चर्स होते हैं इस चैनल पर सभी के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके अलावा आपको चैनल्स के लेक्चर नोट्स के पीडीएफ भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल। अगर हम बात करें आइकोनिक और प्लस की, तो आपके पास दो सब्सक्रिप्शन ऑप्शन है एंड अकेडमी पर, आइकोनिक और प्लस। प्लस में आपको मिला है लाइव क्लासेस, जितनी भी लाइव क्लास एंड अकेडमी पर हो रही है सब आप प्लस के सब्सक्रिप्शन के साथ ज्वाइन कर सकते हो। जो क्लासेस इन फ्यूचर आने वाली हैं उनको शेड्यूल कर सकते हैं, उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जो रिकॉर्डेड हैं ऑलरेडी हो चुकी हैं अकेडमी ऐप पर वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सर आपको आपकी परफॉर्मेंस अपग्रेड करने के लिए वीकली टेस्ट दिया जाता है, कोर्स बिल्कुल स्ट्रक्चर वे में होता है, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाता है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है जितना भी कंटेंट अकेडमी ऐप पर मौजूद है, योर कैटेगरी यू कैन एक्सेस ऑल ऑफ देम। इसके अलावा रैंक बैचेस, क्रैश कोर्स, बहुत सारे अलग अलग वेराइटी ऑफ बैचेज होते हैं यहाँ पर। आइकोनिक की अगर हम बात करें तो सारे बेनिफिट आपको प्लस के मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, फर्स्ट एंड टेस्ट क्लासेस, स्टडी मटेरियल और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको दिए जाते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा 2704 पर मंथ, जिसका टोटल फीस 32,450 है। यहाँ पर अगर पठानकोड आप अप्लाई करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है। इसी तरह से 24 मंथ का 1,967 पर मंथ, क्योंकि नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन में अवेलेबल है, टोटल फीस 47,200 फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन। आइकोनिक की बात करें तो 12 मंथ का मात्र पड़ेगा 4,704 पर मंथ, जिसकी टोटल फीस 56,450 है। पठानकोट अप्लाई करेंगे तो आपको 10% यहाँ पर एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। अकेडमी का जो न्यू आइकोनिक सब्सक्रिप्शन है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर 1-to-1 गाइडेंस के लिए आपको पर्सनल कोच दिया जा रहा है। इसके अलावा आप अपने मेंटर से बात कर सकते हो, एक्सपर्ट से अपनी स्ट्रेटजी बनाने में मदद ले सकते हो, और यहाँ पर अनअकैडमी पर जितनी भी स्पेशल क्लासेस होती हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। तो जब आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे तो यू कैन ज्वाइन द आवर स्पेशल क्लासेस। माय स्पेशल क्लासेस का जो जनरली मेरी जो स्पेशल क्लासेस हैं जनरली 5 PM पर होती है, ठीक है, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हो, कोई आपको एडिशनल पेमेंट नहीं देने पड़ेगा। तो आपको अनअकैडमी ऐप का इंटरेक्ट एक एक्सपीरियंस होगा। उसके अलावा आप यहाँ पर हमारी अभी 5 PM पर क्लास चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रहा है इसके अंदर, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा होगा। क्लासेस बहुत ही इंटरेक्टिव होती हैं, पोल्स आप कर सकते हो, जो भी आंसर है वो पोल्स में दे सकते हो, जिससे कि आपकी रैंकिंग वहाँ लाइव रैंकिंग बनती है, बाकी स्टूडेंट के साथ आप कंपेयर कर सकते हो अपने आप को, अपना राइज कर सकते हो हैंड, तो आप अपना हैंड राइज करते हो तो आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो और उनसे जो भी डाउट है लाइव क्लास में चैट करते हुए पूछ सकते हो। क्लास के नोटिफिकेशन आपको 15 मिनट बिफोर मिल जाते हैं और आपकी ऐप पर भी अपडेट हो जाता है, तो आप कभी भी कोई क्लास मिस नहीं करते हैं। लेक्चर नोट्स आपको क्लास के बाद जो भी हैंड रिटन नोट्स सर ने लिखा है वो सब आप डाउनलोड कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, और कभी भी किसी भी लेक्चर को आप देख सकते हो, कभी भी नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो एनी टाइम एनीवेयर। अनअकैडमी आस्क अ डाउट सेशन की बात करें तो आप अनअकैडमी पर अपने डाउट पोस्ट कर सकते हो,
और उनके हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाते हैं। जो भी लैंग्वेज आप प्रेफर करोगे, इंग्लिश और हिंदी, मैं आपको यहाँ पर वीडियो सोल्यूशन करा दी जाएंगे। अकेडमी में वैसे तो वीकली बहुत सारे बैचेस स्टार्ट होते रहते हैं, जब आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करोगे तो सभी बैचेस की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जबकि नए बैचेस जो है, अभी आरोहण बैच चल रहा है मैकेनिकल में, सिविल में भी आरोहण बैच चल रहा है, रैंक में बैचेस केमिकल में, मोटर्स चल रहा है इलेक्ट्रिकल और ईसी में, ये सब बैचेस हैं। अभी जो आरोहण बैच गेट 2023 के चल रहा है मैकेनिकल ब्रांच के अंदर, बैच नंबर क्यू है, हमारी पीवी टीम है टॉप एजुकेटर की जो आपको पढ़ा रही है यहाँ पर। अब इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 6:30 PM पर स्टार्ट हुआ है, और जो बच्चा गेट 2023 के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज ये है कि अनअकैडमी आपके लिए लेके आ रही है गेट स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि 5 दिसंबर को होने वाला है, का मतलब कल होने वाला है। कल कितने बजे होगा? 3 PM पर ये टेस्ट होगा, जहाँ पर आपके सब्जेक्ट होंगे बेसिक इंजीनियरिंग, और इन सब्जेक्ट का वेटेज होगा जनरल एप्टीट्यूड 12 मार्क्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 8 मार्क्स, फ्लूइड मैकेनिक्स 5, स्ट्रेंथ 5, थर्मो 5, बेसिक मैन्युफैक्चरिंग 4, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 4, 3 और इंजीनियरिंग मैटर, ये 3 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब इसके थ्रू आपको क्या मिलेगा? इसके थ्रू आपको बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप मिलने वाली है, 60 मिनट 20 क्वेश्चन होंगे टोटल, सभी ब्रांच में अवेलेबल है, ठीक है। अनअकैडमी कॉम्बैट भी यहाँ पर आपको, और इसको ज्वाइन करने के लिए यू कैन अप्लाई माई कोड पठान, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखा होगा। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, और इंटरनल कंबशन इंजन का हम आज रिविजन कर रहे हैं, ठीक है। क्या होंगे सिलेंडर के अंदर ही परफॉर्म किए जाएंगे, जहां पर आपका फ्यूल बर्न होगा, फ्यूल बर्न होकर एक्सपेंड होगा, सारे के सारे प्रोसेस कहां होते हैं? एक सिंगल सिलेंडर के अंदर होते हैं, इसलिए इसको इंटरनल कंबशन इंजन कहते हैं। जबकि एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या होते हैं? एक्सटर्नल कंबशन इंजन जहां पर सारे प्रोसेस एक सिलेंडर में नहीं होते, इंजन अलग जगह होता है, ठीक है, कंबशन अलग जगह होता है, ठीक है, तो अलग अलग जगह होता है, कंडेंसेशन अलग जगह होता है, तो ये सारे प्रोसेस जो है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे कि गैस टर्बाइन के अंदर, गैस टर्बाइन, या फिर हम लोग बात करें स्टीम टर्बाइन, थर्मल स्टीम टर्बाइन, तो ये सब क्या है? ये एक्सटर्नल कंबशन इंजन। यहाँ पर कंबशन ऑफ फ्यूल, जो कि हम लोग क्या यूज करते हैं? कोयला यूज करते हैं, कहाँ होता है? एक्सटर्नली होता है, इसलिए इसको एक्सटर्नल कंबशन इंजन कहते हैं। इंटरनल कंबशन इंजन में क्या होता है? कंबशन इंटरनली होता है, इसलिए इसको इंटरनल कंबशन इंजन, दोनों में ये डिफरेंस है। पहली बार अब देखो, इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन का एडवांटेज क्या है? एक्सटर्नल कंबशन इंजन का तो ये एडवांटेज है कि आप इसके अंदर किसी भी तरह का फ्यूल यूज कर सकते हैं, चाहे आप कोयला यूज करो, सॉलिड फ्यूल यूज करो, चाहे आप पेट्रोल डीजल लिक्विड फ्यूल यूज करो, चाहे आप कोई भी गैसेस फ्यूल यूज करो, क्या आप बायोडीजल यूज करो, चाहे आप कोई भी फ्यूल यूज कर सकते हो, रिन्यूएबल एनर्जी तक भी यूज कर सकते हो, ये सब एक्सटर्नल कंबशन इंजन का एडवांटेज। लेकिन इंटरनल कंबशन इंजन का क्या एडवांटेज है? ये इंटरनल कंबशन इंजन में आप केवल गैसोलीन टाइप ऑफ फ्यूल यूज कर सकते हो, और जैसे फ्यूल चेंज होगा आपको पूरा सेटअप चेंज करना पड़ता है, आपको पूरा इंजन कार्बोरेटर सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सटर्नल कंबशन इंजन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप फ्यूल चेंज कर रहे हो तो आपको कोई चीज सेटअप चेंज नहीं करना पड़ता, इंटरनल कंबशन इंजन में करना पड़ता है। तो एडवांटेज क्या है इंटरनल कंबशन? सबसे बड़ा एडवांटेज क्यों हम देखते हैं हमारी गाड़ियों में इंटरनल कंबशन इंजन लगाते हैं, इसकी कॉम्पैक्टनेस। इंटरनल कंबशन इंजन हम गाड़ियों में इसीलिए लगाते हैं क्योंकि ये कॉम्पैक्ट होता है, और कॉम्पैक्ट होने की वजह से इजीली ऑटोमोबाइल के अंदर इजीली इंस्टॉल किया जा सकता है, कम स्पेस में इसको हम लगा सकते हैं, ये हम इंटरनल कंबशन। बाकी इसका एडवांटेज इतना ज्यादा नहीं है इंटरनल कंबशन, जहां हम बहुत बड़ी हमारे पास स्पेस मौजूद होता है, बहुत बड़े ट्रक आपने देखे होंगे 12-12, 13-13 व्हील्स, वहां पर गैस पावर प्लांट यूज किया जाता है, गैस टर्बाइन यूज किया पावर आउटपुट पर, सारी कहानी है। अब कहानी ये है, ये दो डिफरेंस आपने समझ लिए एक्सटर्नल और इंटरनल। अब बात ये है कि हम जितने भी इंटरनल कंबशन इंजन पढ़ेंगे या जो आगे साइकिल्स, वो सारी की सारी साइकिल क्या कराएगी? एयर स्टैंडर्ड साइकिल। अब एयर स्टैंडर्ड साइकिल एक होती है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल एक होती है, आइडियल साइकिल, दोनों में बहुत फर्क है।
हम जो भी स्टडी करेंगे साइकिल्स की, चाहे वो ऑटो साइकिल हो, डीजल साइकिल हो, ड्यूल साइकिल हो, वी आर अज्यूमिंग ऑल साइकिल एज एयर स्टैंडर्ड साइकिल। तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल का अंदर क्या मतलब होता है? एक्चुअल साइकिल में तो आपने देखा होगा, एक्चुअल साइकिल में क्या होता है, एयर और फ्यूल दोनों कंबशन चैम्बर में एंटर होते हैं, यहाँ पर स्पार्किंग होती है या फिर कंप्रेशन के फ्यूल को जलाया जाता है और फाइनली कंबशन प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं। लेकिन आइडियल केस में हम क्या मानते हैं, आइडियल केस में हम ये मानते हैं यहाँ पर इनलेट क्या हो रही है, एयर हो रही है, और बाहर भी क्या निकल रही है, एयर निकल रही है, और जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो इसी वजह से जब हम आइडियल साइकिल या एयर स्टैंडर्ड साइकिल की बात करेंगे तो हम कंबशन चैम्बर में जो होने वाला प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है, फ्यूल बर्न हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, उस प्रोसेस को हम हीट एडिशन का प्रोसेस, क्या कहेंगे, हीट एडिशन का, ठीक है। जब हम बात करेंगे किसके अंदर, आइडियल साइकिल। अब देखते हैं एयर स्टैंडर्ड साइकिल के क्या अजम्पशन होते हैं। सबसे पहला अजम्पशन होता है इसके अंदर वर्किंग फ्लूइड क्या माना जाता है, एयर माना जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो व्हिच कंटीन्यूअसली सर्कुलेटिंग इन अ क्लोज्ड लूप, जो कि एक कंटीन्यूअसली सर्कुलेट कर रहा है इन क्लोज्ड लूप एंड ऑलवेज बिहेव एज अ आइडियल गैस, और हमेशा आइडियल गैस जैसा बिहेव करेगा, ये स्टैंडर्ड साइकिल का अजम्पशन। एयर स्टैंडर्ड साइकिल में ऑल द प्रोसेस दैट मेक अप साइकिल आर इंटरनली रिवर्सिबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भी प्रोसेस में माने जाते हैं वो सब इंटरनली रिवर्सिबल। अब कोई इंटरनली रिवर्सिबल कब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि कोई प्रोसेस इंटरनली रिवर्सिबल कब होता है, हम इसके अंदर क्या मानते हैं, जितने भी प्रोसेस हैं वो सब इंटरनली रिवर्सिबल है बट एक्सटर्नली इरिवर्सिबल। अब ये इंटरनली का मतलब क्या होता है, इंटरनली इरिवर्सिबल का मतलब होता है इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी जीरो है। अब इंटरनल इरिवर्सिबिलिटीज क्या होती हैं, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटीज होती हैं जैसे कि फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होगा, जब भी इंजन चलेगा, जब भी कोई प्रोसेस होगा, फ्रिक्शन आएगा पिक्चर में, और उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीज होगी, दैट इज कॉल्ड इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, हीट जनरेट होगी। जैसे कि बात करें हम, अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है पाइप के अंदर, तो उसके अंदर इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी क्या है, विस्कोसिटी। जब भी फ्लूइड फ्लो करेगा विस्कोसिटी तो पिक्चर में आएगी, जिसकी वजह से एनर्जी डिसिपेट होगी एज अ हीट, एंड देन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज, सो दैट इज इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। तो इसका मतलब ये है कि जब हम ये साइकिल अज्यूम कर रहे हैं तो कोई भी तरह की इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी जैसे कि फ्रिक्शन, जैसे कि विस्कोसिटी, जैसे कि सीपीसीवी में चेंज होना, इन सबको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि मॉलिकुलर बॉन्डिंग में वेरिएशन आना, इन सबको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमारी साइकिल क्या है, इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल। बट एक्सटर्नली इरिवर्सिबल क्यों, क्योंकि एक्सटर्नली इरिवर्सिबल इसलिए होती है, एक और यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं आपको, एक्सटर्नली इरिवर्सिबल साइकिल, एक्सटर्नली इरिवर्सिबल साइकिल कौन सी होती है, जितने भी साइकिल, ऑल द साइकिल विथ हीट एडिशन प्रोसेस, एडिशन प्रोसेस, बट हीट एडिशन प्रोसेस आर नॉट आइसोथर्मल, देखिए अगर साइकिल के अंदर हीट एडिशन प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है, अगर साइकिल के अंदर हीट एडिशन का प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है तो वो साइकिल क्या हो जाएगी, वो साइकिल एक्सटर्नली इरिवर्सिबल साइकिल हो। अगर आपकी साइकिल के अंदर हीट एडिशन का प्रोसेस, हीट एडिशन का प्रोसेस क्या है, हीट एडिशन आर नॉट आइसोथर्मल, तो वो साइकिल क्या हो जाएगी, एक्सटर्नली इरिवर्सिबल साइकिल।
केवल वो साइकिल जिसके अंदर हीट एडिशन का प्रोसेस आइसोथर्मल होता है वही साइकिल आपकी इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। वही साइकिल इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली रिवर्सिबल होती वही साइकिल क्या होती है इंटरनली एज वेल एज audible guys guys am I audible to you guys am I audible to you यहां तक क्लियर है गाइस एम आई ऑडिबल टू यू ना लेट मी कंफर्म। तो जो साइकिल जिसके अंदर हीट एडिशन प्रोसेस अगर आपका आइसोथर्मल नहीं है तो वो साइकिल आपकी क्या होगी एक्सटर्नली इरिवर्सिबल। तो जैसा कि आपने कार्नोट साइकिल देखोगी कार्नोट साइकिल के अंदर क्या होता है हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन दोनों क्या होते हैं आइसोथर्मल। थर्मल को छोड़ के अगर हीट एडिशन हीट रिजेक्शन कोई और प्रोसेस हो चाहे वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो कोई भी अलग कोई भी प्रोसेस होता है साइकिल क्या होगी इंटरनली आपकी इरिवर्सिबल साइकिल। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हीट एडिशन हो रहा है या फिर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कोई भी अगर हीट एडिशन प्रोसेस हो रहा है तो यू नो दैट टू एड द हीट यू रिक्वायर्ड सम टेम्परेचर डिफरेंस। बाहर कुछ अलग टेम्परेचर होगा प्रोसेस के अंदर कुछ एवरेज अलग टेम्परेचर होगा तभी आप हीट ऐड कर सकते हो और उस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जब हीट एक हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है तो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है और इस दौरान यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है। जबकि आइसोथर्मल हीट एडिशन का मतलब क्या है कि टेम्परेचर इसका कॉन्स्टेंट है और सराउंडिंग का टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर हीट ऐड हो रही है। अगर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर हीट ऐड हो रही है तो फिर वहां पर सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज या फिर यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज हो जाता है। तो इसलिए अगर आपका हीट एडिशन प्रोसेस कोई अदर प्रोसेस है आइसोथर्मल को छोड़ के तो इसका मतलब वो साइकिल एक्सटर्नली इरिवर्सिबल। अब बात करती है कंबशन प्रोसेस रिप्लेस बाय हीट एडिशन प्रोसेस जैसा कि मैंने बताया और एग्जॉस्ट प्रोसेस रिप्लेस बाय द हीट रिजेक्शन प्रोसेस। ठीक है नेक्स्ट आता है कोल्ड एयर स्टैंडर्ड अजम्पशन। कोल्ड एयर स्टैंडर्ड व्हेन वर्किंग फ्लूइड इज कंसीडर्ड टू बी एयर with constant specific heat at the room temperature of 25 degrees। देखो एक कोल्ड एयर स्टैंडर्ड साइकिल भी होती है जिसके अंदर हम ये मानते हैं जो हमारी एयर है वो कितने डिग्री सेल्सियस काम कर रही है 25 डिग्री सेल्सियस।
या फिर एयर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जाती है वो 25 डिग्री सेल्सियस के अबाउट ली जाती है। एयर स्टैंडर्ड साइकिल, ए साइकिल विच एयर अज्यूम एज अ वर्क इनपुट, तो उसको एयर स्टैंडर्ड साइकिल कहेंगे विद दिस अजम्पशंस। अब आप जानते हैं कि जो मेन कंपोनेंट होते हैं हमारे इंजन के वो क्या क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर एक तो होता है आपका इनलेट मेनफोल्ड जहां से फ्यूल इनलेट करता है, इनटेक वाल्व होता है जहां पर फ्यूल के वाल्व ओपन और बंद होगा तो फ्यूल की जो सप्लाई है उसको कंट्रोल करेंगे, स्पार्क प्लग होता है, एग्जॉस्ट वाल्व होता है, एग्जॉस्ट मैनफोल्ड होता है जिससे कि एग्जॉस्ट होता है बाहर निकलती है एग्जॉस्ट, ये सिलेंडर होता है, सिलेंडर के बीच में पिस्टन लगा होता है, सिलेंडर ब्लॉक होता है, क्रैंक शाफ्ट हो गई, क्रैंक हो गई, यहाँ पर कनेक्टिंग रोड होती है ये वाली, गजन पिन होती है, दिस इज द कॉल गजन पिन, ओके, और पिस्टन पिन भी कहते हैं इसको हम लोग, और पिस्टन पिन भी कहते हैं यहाँ पर पिस्टन में लगी हुई है तो पिस्टन पिन कहेंगे, ये होता है यहाँ पर क्रैंक पिन जिससे क्रैंक और कनेक्टिंग शाफ्ट जुड़ी हुई होती है। तो बेसिक कंपोनेंट आपने देख लिए, बेसिक कंपोनेंट आपका सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर, पिस्टन, कंबशन चैम्बर, इनलेट, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, इनलेट वाल्व, स्पार्क प्लग, कनेक्टिंग रोड, क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन रिंग, गजन पिन और कैमशाफ्ट। यहाँ पर गजन पिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसको हार्डेंड स्टील का बनाया जाता है, हार्डेंड स्टील का बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है हार्डेंड स्टील का, सारा फोर्स जो है गजन पिन पे आता है, यहाँ पर जो भी लोड है कनेक्टिंग रोड से या पिस्टन से जो प्रेशर है वो क्रैंकशाफ्ट पर किसके थ्रू ट्रांसफर होगा, गजन पिन के थ्रू ट्रांसफर होगा। ये काफी हाई मतलब काफी ज्यादा ऐसे मटेरियल की बनी होती है स्ट्रॉन्ग हो, वाइब्रेशन को सस्टेन कर पाए, फ्लक्चुएटिंग लोड को सस्टेन कर पाए, तो हार्डेड स्टील की बनी हुई होती है कनेक्टिंग रोड, सॉरी गजन पिन। अब यहाँ पर जो प्रोसेस होते हैं हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहले फ्यूल क्या होता है, इनटेक होता है, यहाँ पर एयर फ्यूल का मिक्सचर कार्बोरेटर के थ्रू यहाँ से एंटर होता है इनलेट, ठीक है। सपोज आपका पिस्टन यहाँ पर कहाँ होता है, दिस इज बॉटम डेड सेंटर, आपका पिस्टन कहाँ होगा, बॉटम डेड सेंटर पे, ओके। सो ये प्रोसेस जो है वो इनटेक प्रोसेस कहलाता है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो फ्यूल एयर का मिक्सचर है जब इसके अंदर भर जाता है, अब ये वॉल जो है वो क्लोज हो जाता है ऑटोमेटिकली, यहाँ पर वॉल टाइमिंग हम सेट करते हैं कैमशाफ्ट से, ये वॉल एक टाइम बाद अपने आप ही बंद हो जाता है। और पिस्टन जब ऊपर मूव करता है, अंदर भरा हुआ एयर फ्यूल का मिक्सचर क्या होता है, कंप्रेस होता है, कंप्रेशन की वजह से ऑलरेडी इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम स्पार्क प्लग लगा होता है जिसमें 2000 से 3000 वॉल्ट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी जो कि स्पार्क प्रोड्यूस, एंड दैट स्पार्क क्या करेगा, ये एयर फ्यूल के मिक्सचर को बर्न करेगा, ठीक है। और जैसे ये एयर फ्यूल का मिक्सचर बर्न होगा तो ये पिस्टन को पीछे की तरफ पुश करेगा, क्योंकि एयर फ्यूल का मिक्सचर बर्न होते ही काफी हाई प्रेशर से एक्सपेंड होगा और उसकी वजह से ये पिस्टन को पुश करेगा, डाउनवर्ड मोशन करता है, यहाँ पर टेंशन आपकी रोटेट होती है। उसके बाद हम एग्जॉस्ट वाल्व खोल देते हैं तो यहाँ से एग्जॉस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये तीन चार प्रोसेस, टेक, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। अब इन सबको हम अगर साइकिल पे दिखाएं, देखिए किस तरह का प्रोसेस होता है। सबसे पहला जैसे कि आपने देखा इनटेक प्रोसेस होता है। इनटेक प्रोसेस में क्या होता है कि आपका जो पिस्टन है वो पीछे जाता है और एयर यहाँ पर क्या होती है, इनटेक होती है। एयर और फ्यूल का मिक्सचर क्या होता है यहाँ पर एग्जॉस्ट साइकिल में एंटर करता है, इस एक लाइन खींच देते हैं हम लोग। तो ये जो होता है दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर से फ्यूल एयर का मिक्सचर इंजन के अंदर एंटर करता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एंटर करता है, और जैसे जैसे फ्यूल एयर का मिक्सचर एंटर करता जाता है वैसे वैसे पिस्टन पीछे जा रहा है। तो यहाँ पर प्रेशर चेंज नहीं होता क्योंकि जैसे जैसे फ्यूल अंदर आ रहा है वैसे वैसे ही पिस्टन पीछे जा रहा है, तो वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज नहीं, और ये एक प्रोसेस कहलाता है 0 से 1, ठीक है। उसके बाद जब फ्यूल एयर आ जाता है इसके अंदर तो स्टार्ट होता है सेकंड, दैट इज इनटेक प्रोसेस 0 to 1। उसके बाद स्टार्ट होता है कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होता है कि आपका जो फ्यूल एयर का मिक्सचर है उसको हम कंप्रेस करते हैं, क्योंकि ये बहुत हाई स्पीड से कंप्रेस होता है तो हीट लॉस को हम क्या मानते हैं, एंड दैट कंप्रेशन नोन एज आइसेंट्रोपिक। यहाँ पर कंप्रेशन होता है, प्रेशर राइज होता है और वॉल्यूम, व्हेन इट रीच द टॉप डेड सेंटर यहाँ पर ये बंद हो जाता है कंप्रेशन, एंड नाउ वी आर गोइंग टू ऐड द हीट। यही इसके समकक्ष एक्चुअल साइकिल में दिखाया जा रहा है। हीट एडिशन का मतलब क्या है, स्पार्क प्लग ऑन होगा
और आपका जो फ्यूल एयर का मिक्सचर है वो बर्न होगा और इसकी वजह से सडनली प्रेशर राइज हो जाता है। और जब प्रेशर राइज हो जाता है उस हाई प्रेशर की वजह से अब ये जो फ्यूल एयर का बर्न कंबशन प्रोडक्ट्स हैं ये प्रेशर लगाएगा पिस्टन के ऊपर और पिस्टन को पीछे की तरफ धक्का देता है एंड दिस प्रोसेस नोन एज एक्सपेंशन। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं प्रोसेस। उसके बाद जब हमारा एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाता है पिस्टन के अंदर जो प्रेशर होता है वो बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। तो जैसे एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है तो यहाँ से जो भी कंबशन गैसेस हैं इस एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू सडनली लॉस हो जाती है बाहर निकल जाती है जिसकी वजह से जो भी हीट एग्जॉस्ट गैसेस के साथ बाहर निकल गई और सडनली जो प्रेशर है वो डाउन होके कहाँ आ जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं एग्जॉस्ट प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद अभी भी पिस्टन कहाँ पर है बॉटम डेड सेंटर। अब ये एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन रहता है और पिस्टन जब ऊपर चलता है तो क्योंकि वॉल्व ओपन है और एग्जॉस्ट गैसेस उसकी वजह से पुश होती जाती है प्रेशर वेरी नहीं करेगा प्रेशर एटमोस्फेरिक रहेगा और दैट प्रोसेस इज नोन। तो ये जो प्रोसेस है वो बेसिकली दोनों साइकिल के अंदर ओके यहाँ तक साफ बात समझ में आ रही है। तो ये पूरी साइकिल यहाँ पर बनती है जिसको जैसा कि मैंने आपको बताया फर्स्ट इनटेक प्रोसेस होता है प्रेशर कांस्टेंट होता है फ्यूल इनटेक करता है उसके बाद कंप्रेशन होता है एडियाबेटिक कंप्रेशन फ्यूल और एयर का मिक्सचर कंप्रेस होता है सडनली हीट ऐड होती है उसके बाद एक्सपेंशन होता है और एक्सपेंशन के बाद बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस फूड एग्जॉस्ट गैसेस विल लॉस इन द सराउंड उसके बाद जब पिस्टन मूव करेगा आगे की तरफ एग्जॉस्ट स्टेट कहलाता है। तो ये पूरा साइकिल होता है आपका ओटो साइकिल पूरा होल साइकिल इज नोन एज ओटो। होल साइकिल इज बेसिकली नोन एज यू कैन सी दिस इनटेक एग्जॉस्ट। अब ये बेसिकली प्रोसेस जो है वो हमको कोई एरिया नहीं दे रहा इसीलिए पीवी डायग्राम में जब भी इसका डायग्राम बनाते हैं जो कि आपने साइकिल देखी फिर ऊपर वाला डायग्राम बनाते हैं इनटेक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक को शो नहीं करते क्योंकि ये बेसिकली इसका एरिया क्या है जीरो है इस वजह से हम इस प्रोसेस को शो नहीं करते हैं। ठीक है तो हम जितने भी आपने साइकिल देखी होगी यही डायग्राम देखा होगा दैट इज कॉल्ड ओटो साइकिल। यहां तक क्लियर है इस कॉल ऑटो साइकिल डायग्राम। अच्छा यहां तक किसी को दिक्कत है साइकिल में किसी को दिक्कत है अगर किसी को दिक्कत है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन प्लीज। ठीक है चलिए तो ये हमारा ऑटो साइकिल हो गए। अब देखो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला ड्राइव नहीं करेंगे सब लोग जानते हैं ऑटो साइकिल की जो एफिशिएंसी होती है इसका फॉर्मूला होता है 1-1/r·γ- और यहाँ पर r क्या होता है r होता है आपका सेकंड में पेज ऐड कर लेते
चलिए, तो पॉइंट ये है तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि ऑटो साइकिल की जो एफिशिएंसी होती है, इसका फॉर्मूला था 1 - 1/r^2 - γ, और r क्या होता है यहाँ पर, r होता है कंप्रेशन, ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, दैट इज नोन एज कंप्रेशन। अब जैसा कि अभी हमने बताया आपको, ये हमारी साइकिल है, दिस इज नोन एज अवर ऑटो साइकिल जो कि आप देख रहे हो, दिस इज अवर साइकिल। इस साइकिल में जो लोवेस्ट वॉल्यूम होगा, जहां तक पिस्टन मूव कर सकता है, कॉल एज क्लियरेंस वॉल्यूम, को वीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जहां तक पिस्टन मूव करता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। तो आप पिस्टन के अंदर ये जो हाईएस्ट वॉल्यूम होगा, जहां तक आपका पिस्टन मूव करेगा, दैट इज क्लियरेंस वॉल्यूम, और जितना पिस्टन जो है डिस्प्लेस करता है, दैट इज नोन एज स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। तो जो कंप्रेशन रेशियो होगा, वो कंप्रेशन रेशियो या कोई भी रेशियो, चाहे वो एक्सपेंशन रेशियो हो, चाहे वो कंप्रेशन रेशियो हो, दैट रेशियो इज रिप्रेजेंटेड बाय लार्जर वॉल्यूम ड्यूरिंग कंप्रेशन ड्यूरिंग प्रोसेस प्रोसेस अपॉन क्या होता है, अपॉन होता है स्मॉलर वॉल्यूम। अब देखते हैं कंप्रेशन रेशियो की बात करें, तो भैया यहां पर जब स्टार्ट होता है कंप्रेशन, तब कौन सा वॉल्यूम होता है, टोटल वॉल्यूम, लार्जर वॉल्यूम विल बी वीसी प्लस वीएस, टोटल वॉल्यूम। और जब कंप्रेशन खत्म हो जाता है, तब पिस्टन कहां पहुंच जाता है, टॉप डेड सेंटर, तब वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम होता है, वीसी वॉल्यूम होता है। तो आपका जो कंप्रेशन रेशियो होगा, दैट इज कॉल्ड 1 प्लस वीएस अपॉन वीसी, दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन रेशियो, दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन रेशियो। अब एक और रेशियो आता है यहां पर सी, इसको बोलते हैं क्लियरेंस रेशियो रेशियो। अब ये क्लियरेंस रेशियो क्या होता है, दिस क्लियरेंस रेशियो इज नथिंग बट, इसको बोलते हैं वीसी अपॉन वीएस, इस रेशियो को हम बोलते हैं क्लियरेंस रेशियो, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, 1/1/c, दैट इज क्लियरेंस रेशियो इज नोन एज कंप्रेशन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्रेशन रेशियो बोलेंगे। ठीक है, दैट इज आवर एफिशिएंसी ऑफ आवर साइकिल। एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप जानते हो, एफिशिएंसी इज आल्सो नेट वर्क डन अपॉन हीट एडिशन, दैट इज आल्सो एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी आल्सो 1 - हीट रिजेक्शन अपॉन हीट एडिशन। और यहां पर अगर हम हीट एडिशन की बात करें, तो हीट एडिशन हमारा कहां होता है, जब हम लोग 2 - 3 प्रोसेस की बात करें, तो 2 - 3 प्रोसेस में जो हीट ऐड हो रही है, कौन से वॉल्यूम पर और कौन से प्रोसेस में हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की वजह से हीट ऐड हो रही है, और टेम्परेचर जो है T2 से बढ़ के T3 जा रहा है, तो हीट एडिशन इन दिस प्रोसेस क्या होगा, MCV T3 अपॉन -T2। हम बात करते हैं हीट रिजेक्शन की, यहाँ जो हीट रिजेक्शन हो रहा है कौन से प्रोसेस के दौरान हो रहा है, 4 - 1, और प्रोसेस कौन सा है यहाँ पर, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, तो हीट रिजेक्शन क्या होगा, MCV T4 - T1, so this efficiency can also be write as 1 - heat rejection is T4 - T1 T2 - T2 - T1, this is also formula of efficiency, ये भी formula होता है किसका, efficiency। ठीक है, ये फॉर्मूले होते हैं। अब बात आती है मीन इफेक्टिव प्रेशर, यार मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होगा, यहां तक हो गया एफिशिएंसी, अब आता है मीन इफेक्टिव प्रेशर। ठीक है, तो पी मीन इफेक्टिव प्रेशर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो मीन इफेक्टिव प्रेशर, पहली बात तो हम क्यों निकालते हैं, क्या रीजन होता है, ये हमारी ऑटो साइकिल पीवी डायग्राम, और ये उसका पीवी डायग्राम है, कंप्रेशन, हीट एडिशन, एक्सपेंशन एंड हीट रिजेक्शन। अब इस पूरी साइकिल के दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने देखी, कि जो प्रेशर है वो थ्रू आउट द साइकिल क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है,
प्रेशर जो है वो थ्रू आउट द साइकिल वेरी कर रहा है। तो अगर हम एक ऐसी साइकिल रिप्रेजेंट करें जिसमें प्रेशर थ्रू आउट द साइकिल सेम रहे, प्रेशर थ्रू आउट द साइकिल क्या रहे, सेम रहे, बट जो उसका नेट वर्क आउटपुट हो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द नेट वर्क आउटपुट ऑफ वर्क पुट। प्रेशर थ्रू आउट द साइकिल तो क्या रह रहा है, कॉन्स्टेंट रह रहा है, बट द नेट वर्क आउटपुट विल बी सेम इज एज अ साइकिल एंड द वॉल्यूम साइकिल विल ट्रेवल इज स्वेप्ट वॉल्यूम। अब ऐसा हम क्यों करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, मेन इफेक्टिव प्रेशर आप क्यों निकाल रहे हो। देखिए आपके जितने भी इंजन है वो अलग अलग प्रेशर रेंज में वर्क कर रहे हैं, अलग साइज अलग है, सब कुछ अलग है। तो अगर हमें इंजन को कंपेयर करना है कि भाई किस इंजन में हमारा प्रेशर ज्यादा है, किस में कम प्रेशर है, कौन ज्यादा वर्क नेट दे रहा है, कौन कम वर्क नेट दे रहा है, तो फिर हमें क्या करना होता है, मीन इफेक्टिव प्रेशर, मीन इफेक्टिव प्रेशर निकाल के हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा इंजन ज्यादा पावर देगा, कौन सा इंजन कम पावर देगा। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है, कॉमन स्केल होता है टू कंपेयर द डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट प्रेशर इंजन। बहुत सारे प्रेशर, बहुत सारे इंजन सुपर चार्ज इंजन होते हैं जहां पर इनलेट प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा, कुछ हाई प्रेशर होगा। अगर हमको उनकी परफॉर्मेंस को नॉर्मल इंजन से कंपेयर करना है तो हमारे पास क्या पैरामीटर है, उसके लिए हम क्या करते हैं, मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालते हैं और देखते हैं कि यार उस इंजन का मीन इफेक्टिव प्रेशर कितना आ रहा है, नॉर्मल इंजन का मीन इफेक्टिव प्रेशर कितना है। तो हमें पता चलता है कि यार सुपर चार्ज इंजन का मीन इफेक्टिव प्रेशर ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब दे विल गिव मोर पावर आउटपुट, इसका मतलब इनको ऐसी गाड़ियों में यूज करो जहां पर ज्यादा पावर की जरूरत। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर एक कॉमन चीज होती है जिससे हम अलग अलग इंजन को कंपेयर करते हैं, उनकी पावर को कंपेयर करते हैं, पावर आउटपुट को कंपेयर करते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, जो डब्ल्यू नेट आ रहा है आपका एक्चुअल साइकिल का, उसको हम इक्वेट कर देते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू स्वेप्ट वॉल्यूम से। इसका मतलब हम एसी साइकिल से इक्वेट करते हैं जिस साइकिल में अगर थ्रू आउट द साइकिल प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता और ये साइकिल कितना वॉल्यूम ट्रेवल कर रही है, स्वेप्ट वॉल्यूम के बराबर ट्रेवल कर रही है, तो इट विल गिव सेम वर्क आउटपुट एज अ ऑटो साइकिल। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर या ऑटो साइकिल साइकिल डब्ल्यू नेट अपॉन क्या होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम। मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू नेट अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। तो हम मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है, वो प्रेशर जो हम कंपेयर करते हैं साइकिल। ठीक है, तो अब देखिए ऑटो साइकिल के लिए मीन इफेक्टिव प्रेशर का एक कॉमन फॉर्मूला आता है, तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं पूरे फॉर्मूले को, हम अभी डेरिवेशन करके मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन वो डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डायरेक्ट आपको मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला और ऑटो साइकिल आप देख सकते हैं, इवन आर, आर की पावर गामा माइनस वन आर पी माइनस वन और गामा माइनस वन आर माइनस। अब ये RP क्या होता है, RP इज नथिंग बट P2 अपॉन P1, दैट इज कॉल्ड प्रेशर रेशियो। RP इज नथिंग बट प्रेशर रेशियो, आर यू नो दैट इट इज 1 प्लस 1 अपॉन CC। तो ये आपका फॉर्मूला होता है मीन, दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर ऑटो। फॉर्मूले को याद रखिए, पी आर, आर की पावर गामा माइनस वन माइनस वन आर पी माइनस वन गामा माइनस वन, दिस इज फॉर्मूला ऑफ मीन इफेक्टिव फॉर ऑटो। अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, दस टॉपिक, काफी सारे क्वेश्चन है, पहले हम ऑटो साइकिल की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।
सिंपल फॉर्मूला, द एफिशिएंसी ऑफ मोटरसाइकिल इज 60%, गामा इक्वल टू 1.5, व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो। What is the compression? सही है भाई, सही भाई, क्या आंसर होगा? सही है। देखिए यार, ऑटो साइकिल का सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑफिशियल का फॉर्मूला आपको पता है, 1 - 1 - 1। एफिशिएंसी कितनी दे रखी है? एफिशिएंसी आपको 60%, गामा की वैल्यू दे रखी 1.5 माइनस। वेरी गुड अभिषेक, तो यहां पर 1 अपॉन आर की पावर कितना हो जाएगा? 0.5 इक्वल 2.4। 1 अपॉन आर की पावर 2.4। वन अपॉन आ रहा है, ये आ रहा है, कुछ और आ रहा है। सही है यार, सही बताओ। चलिए क्वेश्चन नंबर टू करते हैं। एन इंजन वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल हैज अ वॉल्यूम ऑफ 0.45 इंजन वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल हैज अ वॉल्यूम ऑफ 0.45 मीटर क्यूब। बार एंड टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, बिगनिंग ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक एंड एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक, प्रेशर इज 11 बार, 210 किलो जूल ऑफ हीट इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिटरमाइन। अब आपको यहां पर एक इंजन दे रखा है और पूछा है वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल हैज अ वॉल्यूम ऑफ 0.45 मीटर क्यूब। सबसे पहले तो आपको हर पॉइंट पर प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, फिर आपको परसेंटेज क्लियरेंस वॉल्यूम, एफिशिएंसी पूछी है, नेट वर्क पर साइकिल पूछा है, मीन इफेक्टिव प्रेशर पूछा है,
कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करिए। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन। देखिए मैंने गेट के क्वेश्चन डाले हैं लेकिन प्रीवियस ईयर वाले डाले हैं। अभी वाले तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑलरेडी आप लोग कर चुके होंगे। या अगर अभी तक नहीं किए हैं तो इस लेक्चर के बाद आप आराम से कर लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन। मैंने केवल प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले हैं, दो तीन प्रैक्टिस क्वेश्चन कंसेप्ट के लिए। तो देखो इस क्वेश्चन से, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करना है पहले मैं आपको कराता हूँ, आप लोग ही मेरे साथ करिएगा। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आपको ऑटो साइकिल बना लेना है। और इसका क्या बना लीजिए, पीवी डायग्राम बना। आपको पता है 1 से 2 आपका क्या होगा, कंप्रेशन होगा, उसके बाद हीट एडिशन प्रोसेस, देन पेंशन एंड देन द एंड फ्लो। ये आपका कंप्लीट यहां पर प्रोसेस हो। दिस इज अवर ऑटो साइकिल। अब ये बोल रहा है कि जब कंप्रेशन स्टार्ट होता है, एट द बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन, प्रेशर कितना है 1 bar, दैट मींस P1 इज 1 bar। ठीक है, P1 कितना है, वॉल्यूम इनिशियल का कितना है आपका 0.45 meter। फिर बोला टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर आपको 30°C। एट द बिगनिंग ऑफ कंप्रेशन एंड एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक द प्रेशर इज 11 bar। का मतलब आपको कौन सा प्रेशर दे रखा होगा, एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक कहाँ होता है, P2 पे। वही कंप्रेशन स्ट्रोक जब खत्म हो जाए तो प्रेशर कितना है 11 bar एंड 210 kJ ऑफ हीट एडेड एट कांस्टेंट। इसका मतलब हीट एडिशन कितना हो रहा है, 210 kJ। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा है कि सभी पॉइंट पर आप प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पता करें। तो बहुत सिंपल है, थर्मोडायनेमिक्स के रूल्स लगाएंगे। आप जानते हो 1 से 2 जो कंप्रेशन होता है कैसा कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। कैसा कंप्रेशन होता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। अगर ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है तो यू नो दैट कि T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 अपॉन पावर गामा माइनस 1। T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 273 में 30 जोड़ेंगे कितना होगा, 303 गामा माइनस 1 अपॉन गामा 11 की पावर। अब गामा की दे रखी है क्या क्वेश्चन में, नहीं दे रखी। तब अपन को क्या लेना है, 0.4। तो 0.4 अपॉन 1, इससे आप क्या निकाल लोगे, इससे आप T2 निकाल। T2 कितना आया, 600.1219 केल्विन। This will be the T2 temperature after comp। अब second point कि आप उन T कैसे निकालें? भाई जब heat addition हो रहा है, heat addition क्या हो रहा है, किलो जूल। टोटल हीट कितनी ऐड कर रहे हो, 210 kJ। हीट एडिशन का प्रोसेस क्या होता है, MCV T3 माइनस। अब
वहाँ प्रॉब्लम यह होगी कि मास कैसे निकाल, वहाँ पर कितनी एयर है हम कैसे निकाल, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आइडियल गैस की इक्वेशन पता है पी वी इक्वल टू एम आर टी, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लूड होगा वो क्या होगा आइडियल गैस होगा, मास होगा पी वी अपॉन आर टी। अब ये जो प्रेशर है वो कितना है इनिशियल में जब कंप्रेशन स्टार्ट हो रहा है तो 1 bar, तो दैट इज 100 kPa। और यहाँ पर वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम आपका हो जाएगा 0.45, ये दे रखा है। गैस कांस्टेंट 0.287 होता है और टेम्परेचर 303। इससे आपका क्या निकलेगा भाई, कितना मास है एयर का पिस्टन के अंदर, क्या निकल गया आएगा 0.4517 kg। का मतलब एम की वैल्यू पता है, चलो 0.517 kg। सीवी की वैल्यू पूछने की जरूरत नहीं, एयर है तो 0.718। T3 नहीं पता अपन को क्या निकालना है, T2 अपन को पता है 600.1 ज्यादा। और हीट एडिशन की वैल्यू कितनी है, हीट एडिशन की वैल्यू अपन बताइए। और तो यहां से 210 अपॉन 0.517 0.718 प्लस 600.12 इक्वल टू क्या हो जाएगा T3 टेम्परेचर। तो 210 अपॉन 0.517 इंटू 0.781 प्लस 600 पॉइंट, तो ये T3 टेम्परेचर आ जाएगा फाइनल 1120.2 केल्विन। वेरी गुड, 600 भी करना है ना उसमें, सॉरी वो वीडियो पॉज हो गया है बिकॉज नेट स्पीड वो चला जाता है ना, नेट स्पीड, सॉरी फॉर दैट। तो माय डियर फ्रेंड देखिए, आपने T3 निकाल लिया, वेरी गुड, T4 भी निकाल लिया, मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, 4.618 ठीक है। तो मतलब आपने सभी जगह पर टेम्परेचर निकाल लिया है, प्रेशर आपको पता है यहाँ पर 11 बार है। आप P3 कैसे निकालेंगे बताइए, प्रेशर आपको P2 तो पता है कि 11 बार है आफ्टर कंप्रेशन, P3 कैसे निकालेंगे भाई, तो P3 आप कैसे निकालोगे भैया, देखो आपका ये जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, टेम्परेचर के। तो P3 अपॉन P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T3 अपॉन P2। तो इससे आप क्या निकाल लोगे, इससे आप, आपको टेम्परेचर सभी जगह का पता है, आपको P2 पता है 11 बार है, आप क्या निकाल लोगे, आपको P3 भी पता चल जाएगा ठीक है। P3 आपको पता है, अभी आपने निकाला 1120, T2 अभी आपने निकाला था कितना था, T2 600.12, इससे आप क्या निकाल लोगे, P2 निकाल लो, देन यू कैन कैलकुलेट द P2 आल्सो। अब रही बात P3 की, P4 की, अगेन P3 अपॉन P4 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इक्वल टू क्या आएगा, T3 अपॉन, तो आपको T3 अपॉन T4 से ये आपको P4 भी मिल जाएगा। आप सभी पॉइंट पर प्रेशर निकाल लिए हैं, टेम्परेचर निकाल लिए हैं, अब वॉल्यूम भी सेम कंडीशन से, थर्मोडायनेमिक रिलेशन से आपको वॉल्यूम निकालना है। आप जानते हो कि V2 अपॉन V1 इक्वल टू होगा P1 अपॉन P2 पावर और अपॉन गामा, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये क्या है, कंप्रेशन का एक एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो इससे आप V1 आपको पता है, V2 निकाल लोगे, V2 से आप V3 और V2 सेम हो जाएंगे, V3 से आप V4 निकाल लोगे, V4 और V1 सेम हो जाएंगे। तो प्रेशर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आप निकाल सकते हो,
वॉल्यूम भी आप निकाल सकते हो। अब आता है आपका क्लियरेंस, परसेंटेज क्लियरेंस मतलब आप क्या निकालोगे, सी डी सी अपॉन वी एस, और इसको क्या कर दोगे 100 से मल्टीप्लाई। क्लियरेंस कितना है आपका, के लिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया आप क्या निकालोगे V2 निकालोगे, V2 कैसे निकालोगे, V1 अपन को दे रखा है कितना है 0.45, P1 अपन को पता है कितना है 1 बार, P2 अपन को पता है कितना है 11, तो इससे 1 अपॉन 1.4, क्योंकि देखिए जो प्रोसेस है यहां पर P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V, एक रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो इसी प्रोसेस में आप क्या लिख सकते हो P2 upon V1 is equal to P1 upon P2 की पावर 1 upon gamma, इससे आप निकाल लोगे V2, V2 की वैल्यू कितनी आएगी देखते हैं अपन, V2 की वैल्यू आ रही 0.8116 मीटर क्यूब, V2 की वैल्यू आ रही है 0.8116 मीटर क्यूब। अब देखिए VC क्या है, बेसिकली V2 है, VS क्या है V1 है, भाई स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है पूरा यहां से यहां तक का जो वॉल्यूम है दैट इज सॉरी दिस इज द स्वेप्ट वॉल्यूम V1 माइनस V2, और ये क्या है यहां पर V2, हमें V1 भी पता चल गया हमें V2 भी पता चल गया, तो हम क्या करेंगे हम यहां से क्लियरेंस रेशियो हो जाएगा आपका V2 अपॉन V1 माइनस V2, V2 हमारे पास है 0.08116, V1 हमको पता है 0.45 माइनस 0.08116, इससे हमारा क्या निकल आएगा क्लियरेंस रेशियो निकल आएगा 0.08116 अपॉन 0.45 माइनस 0.08116, क्या निकल के आ रहा है क्लियरेंस रेशियो 22%, तो ये क्लियरेंस रेशियो निकल गया। ठीक है, एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी तो आप जानते ही हो कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 माइनस 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस, और आर क्या होता है आर अपना कंप्रेशन रेशियो होता है दैट इज वी वन अपॉन V1 0.45 है और V2 0.08116, तो आपका कंप्रेशन रेशियो आ जाएगा यहाँ से 0.45 अपॉन 0.08116, क्या आ रहा है कंप्रेशन रेशियो 5.5, 1 माइनस 5.5446 की पावर 0.4, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। एफिशिएंसी आ रही 49.59%, इस इंजन की क्या आ गई एफिशिएंसी आ गई। अब आपसे क्या पूछा है नेटवर्क पूछा है, नेटवर्क भी हम निकालेंगे यहां पर, एक दो पेज और ऐड कर देता हूं मैं इसमें, अब यहां पर आपका नेटवर्क पूछा है पर डब्ल्यू नेट, तो नेटवर्क कैसे निकालेंगे हम, हमारे पास एफिशिएंसी पता है हमको, हीट एडिशन पता है, एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू नेट अपॉन हीट एडिशन, एफिशिएंसी अभी आपने निकाला कितना है 49%, 0.5495 W net, और हीट एडिशन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कितना दे रखा है हमको 210, हमें कितना ऐड करना है हीट 210 किलो जूल, W net आ जाएगा यहां से 210 और मल्टीप्लाई कर दो तो W net की वैल्यू भी यहां से आ गई है आपकी कितना 104.15 किलो जूल, दैट इज द W net वर्क यू हैव टू सप्लाई। उसके बाद आता है हमारे पास मीन इफेक्टिव प्रेशर, अब मीन इफेक्टिव प्रेशर हम कैसे निकालेंगे,
मीन इफेक्टिव प्रेशर मैंने आपको बताया था, डब्ल्यू नेट अपॉन क्या होता है स्वेप्ट वॉल्यूम। डब्ल्यू नेट 104.15 अपन ने निकाला है, स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होगा V1 माइनस V2। 104.15 V1 अपन को पता है 0.45 और स्वेप्ट वॉल्यूम हो जाएगा, और V2 अपन को पता है 0.08116। तो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे मीन इफेक्टिव प्रेशर 0.45 माइनस 0.08116। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर आएगा आपका 282.3137 किलो पास्कल, क्योंकि ऊपर वाला किलो जूल में था। तो ये आपको लिख सकता है 2.82 बार, दैट इज द मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ दिस साइकिल। उसके बाद आता है आइडियल पावर डेवलप बाय द इंजन इफ द नंबर ऑफ वर्किंग साइकिल पर मिनट इज 210। तो इसका मतलब ये किलो वाट में पूछ रहा है। हमारी ये जो साइकिल है, ये जो है ये डब्ल्यू नेट जो आता है, ये दिस इज डब्ल्यू नेट 104.5, ये पर साइकिल होता है, दैट इज किलो जूल पर साइकिल। अब जो एन होता है, एन होता है साइकिल पर मिनट। अब इसके अंदर अगर हम 60 से अपॉन कर देंगे तो साइकिल पर सेकंड हो जाएगा, दैट विल बी साइकिल पर सेकंड। भाई एक सेकंड में कितनी साइकिल, तो अगर मुझे इसको किस में निकालना है, अगर मुझे इसको किलो वाट में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम डब्ल्यू नेट में, दैट इज पावर इन आउटपुट, डब्ल्यू नेट में एन बाय 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर किलो वाट, दैट इज किलो जूल पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी पावर प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज किलो जूल पर सेकेंड। सो यहाँ हो जाएगा 104.15, एन कितना दे रखा है आपको, आरपीएम दे रखा है आपको 210 आरपीएम। यहां से आपका जो इंजन है उसका पावर आउटपुट आ जाएगा 104.15 210 अपॉन 60। तो ये हो जाएगा 364.525 वाट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर हम इसको वापस से देखें, क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे कि आपसे यहां पूछा गया भाई सभी पॉइंट पे टेम्परेचर पता करो, तो आपको प्रोसेस पता है तो आप टेम्परेचर पता कर लोगे। आपने रिलेशन लगाया थर्मोडायनामिक्स T1 P2 P1 P1, आपको उनको पता रहेगा। तो इससे अपन ने क्या निकाला, T2 निकाला। सिमिलरली हमने क्या निकाला, T3 निकाला। कैसे निकाला भाई T3, हमें हीट एडिशन दे रखा था क्वेश्चन, लेकिन इसके अंदर ये ध्यान रखना है मास हमको नहीं दे रखा था, जबकि हीट एडिशन हमको किलो जूल में दे रखा। तो मास निकालने के लिए हमने इनिशियल कंडीशन का यूज लिया, पिस्टन के अंदर इनिशियल प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था और T1 टेम्परेचर था। तो कितना एयर का मास था, हम इसको आइडियल गैस इक्वेशन से निकाल लेंगे, P1 V1 अपॉन RT1, मास निकाल लिया यहाँ से। अब इसके बाद हम T3 निकाल पाएंगे, तो T3 हमने निकाला, कितना आया 1120.2 केल्विन। अब T3 से हम क्या निकाल लेंगे, T4 निकाल लेंगे, क्योंकि T4 एक्सपेंशन क्या है आपका, आइसेंट्रॉपिक एक्सपेंशन, और आपको P3 अपॉन P4, ठीक है। आप यहां से क्या निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, क्लियर है यहां तक, क्लियर है। तो ये T4 आपने वही ऐसे निकालना है, और इसी तरह से सभी जगह के प्रेशर और वॉल्यूम आपके निकल, वॉल्यूम निकलते ही आपको क्या निकालना है, क्लियरेंस रेशियो। तो V2 दैट इज क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम V2 हो जाएगा, स्वेप्ट वॉल्यूम V1 माइनस V2 हो जाएगा। इससे हमने क्लियरेंस रेशियो निकाला। R क्या होता है, दैट इज कंप्रेशन रेशियो, बिफोर द कंप्रेशन वॉल्यूम V1 था, अपॉन V2 कर देंगे तो कंप्रेशन रेशियो आ जाएगा, कंप्रेशन रेशियो से हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेंगे, एफिशिएंसी आ गया तो उससे डब्ल्यू नेट आ जाएगा, क्योंकि हीट एडिशन हमें दे रखा। अगर मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है तो डब्ल्यू नेट को स्वेप्ट वॉल्यूम से अपॉन करेंगे, स्वेप्ट वॉल्यूम के लिए हमें V1 माइनस V2 दे रखा है क्वेश्चन में, हमने निकाल लिया है। तो इससे हमारा मीन इफेक्टिव प्रेशर, डब्ल्यू नेट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, लेकिन उसने पावर आउटपुट पूछा इन किलोवाट। अगर हमारा इंजन 210 आरपीएम से, तो आपको पावर आउटपुट के लिए टोटल किलो जूल वाला जो पावर वर्क है उसमें एन बाय 60 से मल्टीप्लाई कर देना, विल गेट द पावर। ये सब प्रोसेस होता है साइकिल। इसके अंदर आप देख सकते हो कितनी सारी चीजें एक साथ आ चुकी हैं।
देखिए गेट 1998 का ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन। मिनिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ इन एन ऑटो साइकिल आर, कोई कर रहा है क्वेश्चन? सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से पीवी डायग्राम बनाइए। 1 से 2 आपका कंप्लीशन होगा। सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर अभी आपसे सभी पॉइंट पे प्रेशर एंड टेम्परेचर, मिनिमम प्रेशर हमेशा इनलेट पर होता है। यहाँ पर 100 किलो पास्कल, टेम्परेचर 300 केल्विन और हीट एडिशन आपको दे रखा है 1500 किलो जूल पर किलो। और आपसे पूछा है डिटरमाइन द टेम्परेचर एट ऑल, वही प्रोसीजर आपको अपनाना है यहाँ से, T2 upon T1 टू अपॉन पी वन की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा और पी वन अपॉन वी टू की पावर गामा माइनस। अब यहां पर आपको कंप्रेशन रेशियो दे रखा है, इसका मतलब आपको वी वन अपॉन वी टू दे रखा है 8, गामा आपको 0.1.4 दे रखा है, तो गामा माइनस वन 0.4 आएगा, 8 की पावर 0.4 इंटू 300। T2 टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो आ रही है हमारे पास 69.2 केल्विन।
टी टू। अब अपन को क्या निकालना है, टी थ्री निकालना। अब यहाँ पर चीजें सिंपल हो गई, हीट एडिशन जो है वो किलो जूल पर किलोग्राम में दे रखा है, और हीट एडिशन का जो फॉर्मूला है दैट इज सी वी टी माइनस, हीट एडिशन क्या है 1500 और सी वी कितना है, सी वी अपन को 0.72 दे रखा है। थ्री टी टू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 689., इससे हमारा टी थ्री निकल आएगा। तो टी थ्री की वैल्यू आ रही है यहां से 77.53। अब बात आती है टी फोर, तो टी फोर अपॉन टी थ्री कैन बी राइट एज पी थ्री अपॉन वी फोर पावर गामा माइनस वन। अब देखिए चूंकि ये ऑटो साइकिल है, यहां पर वी थ्री क्या है दैट इज इक्वल टू वी टू, और वी फोर क्या है दैट इज इक्वल टू, ये एक कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, वी वन और वी फोर बराबर है और वी थ्री और वी टू, तो V3 को हमने V2 लिख दिया, V4 को हमने V1 लिख दिया। अब V1 upon V2 की वैल्यू 8 है, V2 upon V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/8 2.4। तो T4 की जो वैल्यू है वो आएगी आपकी 8 की पावर 0 और T3 है 277.53 8 की पावर 0.5। तो अपॉन इसमें कर देंगे अपन 8 की पावर पॉइंट, इससे क्या आ जाएगा हमारे पास फोर की वैल्यू आ जाएगी सारा 1206.8। चौथा टेम्परेचर आ गया टी, तो हमारे पास टी वन है, टी टू है, टी थ्री, प्रेशर निकालने की जरूरत नहीं है, नो दैट यू कैन कैलकुलेट द प्रेशर। अब डायरेक्ट आता है हमारा थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं 1/-1/8 की पावर माइनस, तो थर्मल एफिशिएंसी यहां से आ जाएगा 6.4, दैट इज द ऑटो साइकिल। एंड यहां पर आपसे स्पेसिफिक वर्क पूछा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू नेट अपॉन 0.5647 डब्ल्यू नेट हीट एडिशन आपको 1500, से आपका क्या आ जाएगा डब्ल्यू नेट आ जाएगा 0.5647, इससे हमारा डब्ल्यू नेट आ रहा है 847.5 किलो पर किलो, स्पेसिफिक ही पूछ का मतलब पर किलोग्राम आपको किलो डाल लिया। इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, स्टेट में काफी सिंपल क्वेश्चंस आए फ्रॉम द ऑटो साइकिल, फिर अप्लाई द फॉर्मूला एंड सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 1994 द गेट 1994 द लास्ट क्वेश्चंस, एन एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल हैज अ वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेशन ऑफ 6, द लोवेस्ट साइकिल प्रेशर ऑफ 0.1 मेगापास्कल एंड ऑपरेट बिटवीन टेंपरेचर लिमिट 27 degree Celsius and 1569 degree. Calculate the temperature and the pressure after the isentropy.
अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी। देखो ये चीज तो आप कैलकुलेट कर लोगे, इसको मुझे बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। हर पॉइंट पे टेम्परेचर और प्रेशर आप लोग कैलकुलेट कर लोगे आई होप। बस आपको यहाँ पर आपको लोवेस्ट प्रेशर दे रखा है, कंप्रेशन रेशियो दे रखा है और टी वन और टी थ्री की वैल्यू दे रखी है। तो यहां पर आपको दे रखा है कंप्रेशन रेशियो आर सिक्स दे रखा है, लोवेस्ट प्रेशर आपको 0.1 मेगा पास्कल, ऑपरेट बिटवीन टेम्परेचर लिमिट ऑफ 27 एंड 115। इसका मतलब टी वन कितना है अपना 300 केल्विन और टी थ्री कितना है अपना 69 प्लस, अपन कर देंगे इसमें 73 प्लस, तो आपका हाईएस्ट टेम्परेचर 18 केल्विन है। अब इसकी मदद से आप हब पॉइंट पर टेम्परेचर निकाल सकते हैं। क्या आप जानते हो सर T2 अपॉन T1 इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस वन हो एंड V1 अपॉन V2 इज 6, दिस इज 0.4, सो यू कैन फाइंड अगेन की पावर इनटू कितना आ गया हमारा 614.3। सिमिलरली T4 भी हम निकाल लेंगे, T4 इक्वल टू क्या होता है हमारा बस प्रेशर रेशियो R की पावर गामा माइनस के वर्क को दे रखा 184 एंड अपॉन 6 की पावर 0। की वैल्यू आ जाएगी यहां से 899, दैट इज 900 केल्विन। ये अपना T4 आ रहा है, T2 आ गया, T4 आ गया, ठीक है। प्रेशर निकाले नहीं निकाले उससे कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल लोगे इसको P2 और P1 बदल दो। अब सेकंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन। सिंस इट इज ऑब्जर्व्ड दैट वैल्यू इन ऑल आर द वेल फर्स्ट are well above the lowest cycle operating condition, expansion process were allowed to continue down to a pressure of 0.1 megapascal, which process required to complete the cycle, same cycle operating. तो अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है साहब कि अगर हम expansion को ऑटो साइकिल में expansion कहां पर खत्म हो जाता है, तो ये हमारा compression होता है, ये heat addition होता है, ये आपका एक्सपेंशन होता है और फिर उसके बाद हीट रिजेक्शन, ये आपका प्रोसेस होता है। ये साहब कह रहे हैं कि एक्सपेंशन आप किस प्रेशर तक करो, एक्सपेंशन आप लोवेस्ट प्रेशर तक करो, और लोवेस्ट प्रेशर क्या है अपना, ये प्रेशर लोवेस्ट है, इस प्रेशर तक अगर आप एक्सपेंशन करोगे तो जो फाइनल प्रोसेस होगा वो कौन सा होगा, इसका मतलब अब 4-1 प्रोसेस क्या रहेगा, दैट मीन्स अगर हम साइकिल को कुछ इस तरह से मॉडिफाई कर दें, ये हमारा कंप्रेशन हो रहा है 1-2, उसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन हो रहा है, बट एक्सपेंशन जो होगा अप टू द दिस प्रेशर, ये प्रोसेस हो जाए, अगर ये साइकिल बन जाए, ये हमारा कंप्रेशन, ये हीट एडिशन, एक्सपेंशन, और अगर ये हीट रिजेक्शन हो, तो भैया ये पहला तो ये पूछ रहा है कि जो 4-1 प्रोसेस होगा वो क्या हो जाएगा, भैया 4-1 अगर लोएस्ट प्रेशर साइकिल तक आप एक्सपेंड करते हो तो लोवेस्ट प्रेशर जो है, लोवेस्ट प्रोसेस जो है वो आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, पहली बात ये प्रोसेस होगा कांस्टेंट प्रेशर 4-2, और ये जो साइकिल है इस साइकिल का नाम है, इस साइकिल को बोलते हैं एटकिंसन साइकिल, ये कौन सी साइकिल है, एटकिंसन साइकिल, एटकिंसन से ये साइकिल बनाई थी, और चूंकि
कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म यूज किया था तो आफ्टर एक्सपेंशन जो स्ट्रोक था वो कंप्रेशन स्ट्रोक से लंबा था, यहाँ पर दोनों स्ट्रोक की लेंथ सेम नहीं थी। और एक्सपेंशन ये कहाँ तक करता था, लोवेस्ट प्रेशर पॉसिबल प्रेशर जो कि होता है इनलेट प्रेशर ऑफ द एयर। इसकी वजह से जो साइकिल का एरिया है वो इंक्रीज हो गया, साफ दिख रहा है साफ साफ, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एफिशिएंसी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ये पूछ रहा है कितना परसेंट इम्प्रूवमेंट आता है, कितना परसेंट। तो देखिए सबसे पहले हम ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी जो कि किसके ऊपर डिपेंड करती है, कंप्रेशन रेशियो के ऊपर डिपेंड। अब ये जो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी है का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 1-1/r की पावर गामा माइनस वन होता है। और r क्या है यहाँ पर, r कंप्रेशन रेशियो है, इसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है कितना है 6.04। इससे हमारा क्या आ गया, इससे हमारा ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी क्या आएगा 51.16%। ये आ गया ऑटो साइकिल। अब इस साइकिल की एफिशिएंसी निकालना है अगर हम एक्सपेंशन लोएस्ट प्रेशर तक करते हैं, दैट इज कॉल्ड एटकिंसन साइकिल। तो देखिए किसी भी साइकिल की एफिशिएंसी होती है -1 - हीट रिजेक्शन अपॉन। अब इस साइकिल में जो आप हीट रिजेक्शन कर रहे हो कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हो, तो सीपी एंड टेम्परेचर चेंज हो रहा है T4 - T1, एंड हीट एडिशन जो कर रहे हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हो, तो सीवी दैट इज T3 - तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 - T4 - T1। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको साइकिल के अंदर हर प्रोसेस के लिए टेम्परेचर, चलो यू आर नॉट इंटरेस्टेड क्या, देखिए T1 आपको पता है T1 कितना है 300 केल्विन, T2 हम लोग निकालेंगे फ्रॉम आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। देखो कंप्रेशन रेशियो तो यहाँ पर 6 ही है, ये चेंज नहीं हुआ है, कंप्रेशन रेशियो 6 है, तो T2 जो है वो है, T2 कितना है 614.3। कंप्रेशन स्ट्रोक में कोई चेंज नहीं हुआ, अब बात है हीट एडिशन, हीट एडिशन जो है और यहां पर आपको मैक्सिमम टेम्परेचर भी दे रखा है T3 की वैल्यू भी चेंज नहीं हुई है, टेम्परेचर वही है, T3 वही है अपना, कितना है 1842। अब बात आती है आपकी T4 की, तो यहां पर चेंज आएगा आपका, क्योंकि अब जो एक्सपेंशन हो रहा है वो आपका किसी और प्रेशर तक हो रहा है, तो यू नो दैट T3 upon T4 = T4 upon P3 की पावर γ-1 बिकॉज इट इज आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। T4 जो प्रेशर है That equal to P1 के बराबर है,
थ्री की वैल्यू हमें पता है कितना है, 184। टी फोर नहीं पता। टी वन कितना हमारे पास प्रेशर, दैट इज लोवेस्ट प्रेशर, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.1 मेगापास्कल। टी थ्री की वैल्यू हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन, एंड दैट विल बी 0.285। अब कहानी ये कि अगर हमें टी फोर निकालना है तो हमें पी थ्री पता होना चाहिए। अब पी थ्री आप कैसे निकालोगे, जो प्रीवियस साइकिल है उसके अंदर अगर आपको कंप्रेशन रेशियो पता है तो आप पी टू निकाल सकते हो, और उसके बाद जो प्रोसेस है वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो देखिए पी टू अपॉन पी वन, पी वन अपॉन वी टू की पावर है ना, P2 upon P1 is equal to V1 upon V2 की पावर गामा, V1 upon V2 that is nothing but a compression ratio sigma 1.4। तो P2 क्या आ जाएगा, 0.1 मेगापास्कल into 6 की पावर 1.। P2 की वैल्यू आप निकाल लोगे कितना होगा, 6 की पावर 1.4 into 0.1, कितना आएगा, ये आएगा 1.28 मेगापास्कल। ये आ गया आपका पी। अब देखिए जो आपका 2 से 3 प्रोसेस है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल टू, तो वहां पर पी टू अपॉन पी थ्री इजिकल टू क्या होगा, टी टू अपॉन टी थ्री। टी टू इज 1.28 की हमें निकालना है, टी टू हमें निकाल चुके हैं 613 और टी थ्री हमें क्वेश्चन में गिवन है 184। इसी वैल्यू से हमारा क्या आ जाएगा, पी थ्री 1.842 upon 14.3 to 1.2, कितना आ रहा है, पी थ्री आ रहा है अपना 0.68। क्या आ जाएगा हमारा पी थ्री, ये हमने P3 निकाल लिया। अब इस P3 को यूज करेंगे यहाँ पर, और इस P3 को यहाँ पर यूज करके हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं मेगापास्कल। तो T4 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 659.106 केल्विन। ये किसकी वैल्यू आ गई, T4 की वैल्यू आ गई। अब देखो जो एटकिंसन साइकिल आ रही है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी हमने निकाला क्या है, सीपी बाय सीवी गामा T4 माइनस T1 अपॉन T माइनस T, तो 1 माइनस क्योंकि CP बाय CV था यहाँ पर, इसको गामा लिखना है हमको, 1 माइनस 1.4। 4 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं अभी 659.106। इवन हमें ऑलरेडी गिवन था 300, ये हमें ऑलरेडी गिवन था 1842। टी टू हमने निकाला था कितना, दैट इज 614। तो इसके एटकिंसन साइकिल की एफिशिएंसी आएगी, -300 1.82 -1.4।
कितना आ रहा है, ये आ रही है आपकी 59.04। तो आप देख सकते हो ऑटो डीजल साइकिल की जो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी है वो 51 आ रही है, परसेंटेज गेन इन एफिशिएंसी। ऑटो साइकिल की सॉरी एटकिंसन माइनस ऑटो आ रहा 51.16। कितना गेन आ रहा है आपका, तो आपकी जो एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है 7.88%। आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है, इसका मतलब अगर आप एक्सपेंशन लोएस्ट पॉसिबल प्रेशर तक करते हो तो आपकी एफिशिएंसी कितना परसेंट, केवल ओनली वन डिफरेंस होता है ऑटो साइकिल से कि यहाँ पर हीट एडिशन कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इन केस ऑफ डीजल साइकिल बेसिकली हम लोगों ने डीजल साइकिल क्यों कि हमको कंप्रेशन रेशियो डीजल साइकिल में बहुत ज्यादा मिलता है। जब इनिशियल में ऑटो साइकिल या एयर स्टैंडर्ड साइकिल की बात कर रहे हैं, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर कार्बोरेटर से आ रहा है पेट्रोल और एयर का मिक्सचर आ रहा है, उसको कंप्रेस करते हैं। और सम टाइम इनका जो ऑटो इग्निशन पॉइंट होता है इन फ्यूल का बहुत कम होता है, इसकी वजह से जब हम कंप्रेशन करते हैं तो ड्यूरिंग द कंप्रेशन वो सेल्फ इग्नाइट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो नोकिंग का फिनोमेना है या डिटोनेशन है वो डोमिनेट करने लगता है और थर्मल एफिशिएंसी काफ़ी लॉस होने लगता है। और इसके अलावा हमने एक और चीज पाई, जितना ज्यादा हम कंप्रेशन रेशो बढ़ाते हैं आर बढ़ाते हैं इतना हमारी थर्मल एफिशिएंसी बढ़ती जाती है साइकिल की। दैट मींस द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल डिपेंड ऑन द कंप्रेशन, बट इन केस ऑफ ऑटो साइकिल और पेट्रोल साइकिल वी हैव सम लिमिटेशन, आर 11 से ज्यादा आप कंप्रेशन रेशो नहीं कर सकते। रीजन दैट कि उस टाइम अभी भी जो फ्यूल आता है ना 11 से ज्यादा कंप्रेशन रेशो आप यूज कर सकते, उस समय जो फ्यूल यूज होता था वो बेसिकली कोल पाउडर कोल्ड का डस्ट होता था, वो किसी के साथ हम लोग यूज किया करते थे, तो उसका कंप्रेशन रेशियो जो था 6 या 5 से ज्यादा हम नहीं कर सकते। 6 और 5 से ज्यादा बढ़ाने पर वहां पर क्या होता था, हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉकिंग होने, तो हम हाईएस्ट कंप्रेशन रेशियो कहते हैं HUC, आप देखोगे आगे जाके। तो माय डियर फ्रेंड, अब बाद में जो साइंटिस्ट हैं इस पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट, उन्होंने सोचा अगर हम कंप्रेशन रेशियो बढ़ाएं तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम यही आ रही है तो हम एयर फ्यूल का मिक्सचर यूज कर रहे हैं वो सेल्फ इग्नाइट हो जा रहा है, उसका नोकिंग उसका जो सेल्फ इग्निशन टेंपरेचर, इसका मतलब हम एक काम करते हैं, हम कंप्रेशन जो है एयर फ्यूल के मिक्सचर को करते नहीं है, उसको कंप्रेस करेंगे एयर को कंप्रेस, अगर हम एयर को कंप्रेस करेंगे तो एयर को कंप्रेस करने से वो सेल्फ इग्नाइट होने से तो रही, एयर का कोई बर्निंग वरना तो होता नहीं है, सेल्फ इग्नाइट होगी नहीं, अगर वो सेल्फ इग्नाइट नहीं होगी क्या हुआ, आप कंप्रेशन रेशियो को जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हो, जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हो, बस आपका जो सिलेंडर है वो ब्लास्ट नहीं होगा। तो डीजल साइकिल का यही कांसेप्ट था कि अगर हम कंप्रेशन रेशियो बढ़ाएं तो हम तभी बढ़ा सकते हैं जब एयर को कंप्रेस करें, और इतना ज्यादा कंप्रेस करें कि उसका टेम्परेचर इतना राइज हो जाए कि उस टेम्परेचर की वजह से ही फ्यूल वहां पर बर्न हो जाए। दैट वाज अ कांसेप्ट ऑफ डीजल साइकिल। इसकी वजह से डीजल साइकिल की जो एफिशिएंसी है वो ऑटो साइकिल से हमेशा ज्यादा आती है। रीजन वी आर यूजिंग अ हाई कंप्रेशन रेशियो, दैट इज एडवांटेज ऑफ द डीजल।
इसके अंदर हम क्या करते हैं, मैक्सिमम प्रेशर तक कंप्रेस करते हैं हमारी एयर को। उसके बाद जब हम हीट ऐड करते हैं, तो हीट ऐड का मतलब समझ रहे हो, हीट ऐड का मतलब हीट ऐड नहीं होता है, बेसिकली फ्यूल बर्न होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू ड्रॉपलेट के फॉर्म में पिस्टन में थोड़ा 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 हल्का हल्का फ्यूल आता है, जिससे कि थोड़ा प्रेशर राइज हुआ पिस्टन नीचे चला गया, थोड़ा प्रेशर राइज हुआ पिस्टन नीचे चला गया, थोड़ा प्रेशर राइज हुआ पिस्टन नीचे चला गया। इस वजह से ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वी अज्यूम प्रेशर इज कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, 1-2 कंप्रेशन, 2-3 हीट एडिशन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, बाकी जो प्रोसेस हैं सब वैसे ही होते हैं जैसे कि हमारे ऑटो। एक्सपेंशन प्रोसेस आइसेंट्रोपिक होगा, 4-1 जो है एग्जॉस्ट प्रोसेस वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा, सारे प्रोसेस एज इट इज होते हैं, बस उसको छोड़। यहां तक देख सकते हो, ये मैंने आपको बताया था इनटेक और एग्जॉस्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन से आएगा, इसको हम जनरली शो नहीं करते। तो ये एडियाबेटिक कंप्रेशन, उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, सी से डी आपका एक्सपेंशन है, ये अगेन आपका कांस्टेंट। अब इस साइकिल की एफिशिएंसी का फार्मूला अगर हम देखें, तो एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल 1-1/r^γ-1, ये तो एज इट इज राइट, 1/γ^γ-1। अब ये रो क्या होता है, ये जो रो होता है इसको हम बोलते हैं कट ऑफ रेशियो। यहाँ पर एक और रेशियो इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो क्या होता है, देखो हम जानते हैं हीट एडिशन कैसे होता है, कि हम जो फ्यूल सप्लाई करते हैं दैट फ्यूल बर्न और उसके बर्निंग से जो हीट निकलती है दैट इज नोन एज हीट एडिशन। तो हम लोग बी पॉइंट से फ्यूल सप्लाई करना स्टार्ट करते हैं और सी पॉइंट पर बंद करते हैं। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मैक्सिमम वॉल्यूम अपॉन मिनिमम वॉल्यूम, इसी को हम कहते हैं कट ऑफ। तो मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा, बी सी इस पॉइंट पर, और मिनिमम वॉल्यूम बी। अगर हम इसको 1, 2, 3, 4 से रिप्रेजेंट करें तो मैक्सिमम वॉल्यूम यहां पर होगा V3 और मिनिमम वॉल्यूम होगा V2, इसी को कहते हैं हम कट ऑफ, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो कट ऑफ रेशियो। मैक्सिमम वॉल्यूम अपॉन मिनिमम वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड कट ऑफ रेशियो। और रो जो है यहाँ पर कट ऑफ रेशियो, आर कंप्रेशन रेशियो है, का फॉर्मूला ये होता है। अब इसके अंदर जो मीन इफेक्टिव प्रेशर है, इसका फॉर्मूला कट ऑफ रेशियो के टर्म में मीन इफेक्टिव प्रेशर और इनिशियल P1 r^γ^ρ−1 1-γ^γ−1 upon γ−1 r−1। देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम इस पे सॉल्व कर सकते हैं, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, ड्यूल साइकिल को। ड्यूल साइकिल क्या होती है, जैसा कि अभी आपने देखा डीजल साइकिल के अंदर हुआ क्या था, वी आर गेटिंग हाईएस्ट कंप्रेशन बिकॉज़ वी आर कंप्रेसिंग एयर नॉट एयर फ्यूल मिक्सचर, बिकॉज़ एयर कैन नॉट बी बर्न बाय द कंप्रेशन ओनली, इट रिक्वायर्स द फ्यूल आल्सो। इस वजह से हम लोग वी कैन कंप्रेस एयर एज मच एज, and that's why we are getting a highest compression. Problem solved, we are getting higher efficiency. Our engine become high efficient engine. Why we introduce this dual cycle or semi-diesel cycle? Why we require a dual cycle? सबसे important बात, जब हमारा कंप्रेशन रेशियो यहाँ पर एक, तो उस कंप्रेशन रेशियो के साथ साथ एक और चीज इम्प्रूव,
होता है साइज ऑफ द इंजन, वेट ऑफ द इंजन। जब हमारा कंप्रेशन रेशो यहाँ पर इंक्रीज होता है, उस कंप्रेशन रेशो के साथ साथ इंजन का साइज और वेट दोनों, जिसकी वजह से डीजल साइकिल को कॉम्पैक्ट व्हीकल्स में यूज नहीं, डीजल साइकिल को बड़े व्हीकल्स में, हैवी व्हीकल्स में यूज किया जाता है। जब हम किसी ऑटोमोबाइल की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट वेट और साइज। ऑटोमोबाइल में आपको याद होगा मैंने इनिशियली में आपको डिस्कशन में बताया था कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन साइकिल इज मोर सुपीरियर बिकॉज एक्सटर्नल कंबशन काइंड ऑफ फ्यूल इंटरनल एज कम्पेयर टू इंटरनल कंबशन इंजन। बट व्हाई वी आर यूजिंग कंबशन इंजन इन ऑटोमोबाइल, रीजन इज कॉम्पैक्ट। बट द प्रॉब्लम विद द डीजल इंटरनल कंबशन इंजन जब बड़ा हो जाता है, जब डीजल की बात करें तो डीजल के अंदर एक तो इंजन का साइज बढ़ता है, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर की वजह से जितने भी कंपोनेंट हम साइकिल के बनाएंगे या जो भी पिस्टन वाला पार्ट होगा, पिस्टन से इंजन बॉडी होगी, सबका मतलब सब हैवी बनाने आपको पड़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा इंजन के अंदर तो साइज भी बढ़ेगा, वाइब्रेशन भी बढ़ेंगे, लोडिंग सब कुछ आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। ऑटोमोबाइल के अंदर वेट बढ़ना, बॉडी का वेट बढ़ना बहुत बड़ी बात है, पूरी की पूरी फ्यूल इकोनॉमी जो है वेट पर डिपेंड। आजकल आप कार देख रहे हो जो कि बेसिकली जो 10 लाख 15 लाख के बीच में एसयूवी कार्स आ रही हैं, जो कि काफी चीजें ऑफर कर रही है, हम ये भी दे दिया, हमने वो भी दे दिया, हमारी कार ये भी हो गई, मन क्या कि फॉर एग्जांपल बात करें तो ये सब चीजें ये कैसे ऑफर करती है, मतलब इनका कॉस्ट कम कैसे होता है। बेसिकली ये अपना कॉस्ट कम करने के लिए ये कार क्या अपनाती है, सिंपल ट्रिक अपनाती है, वेट कम करती है। पहले जो स्विफ्ट डिजायर आती थी वो सपोज 10,000 किलोग्राम की आ रही थी, तो अब मतलब 2,000-3,000 किलोग्राम की आ रही थी, अब उसको कम करके उन्होंने क्या कर दिया, वो 1,000 किलोग्राम। उससे क्या होता है, उससे फ्यूल इकोनॉमी भी बढ़ जाती है, क्योंकि जितनी रिसर्च होनी थी अब वो क्या करते हैं, वेट कम करते हैं, मटेरियल का गाड़ी की कॉस्ट कम करने के लिए वेट कम करते हैं। देन हाउ दे आर गोइंग टू सस्टेन, अभी जैसे किया गाड़ी, किया कार है, तो बेसिकली चीजों का वेट कम किया जाता है जिससे कि वो मार्केट में सस्ते। तो अभी हम बात करते हैं ड्यूल साइकिल। तो ड्यूल साइकिल सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि हमारा जो साइज था इंजन का वो मात्र 1% एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज होती है अगर हम डीजल से ड्यूल, लेकिन जो साइज है डीजल साइकिल ड्यूल साइकिल को हाफ हो जाता है, ऑलमोस्ट परसेंट हो जाता, मतलब डीजल इंजन का जो साइज है उसका ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है। इसलिए हम व्हील स्टडी द ड्यूल साइकिल। आजकल जितने भी ट्रक्स वगैरह जो कि मिनी कार्स हैं डीजल वाली, वो उस समय ड्यूल साइकिल है, एंड फॉर्मूला ऑफ दिस एफिशिएंसी इज दिस। जैसे कि नाम सजेस्ट है, इसके अंदर जो हीट एडिशन का प्रोसेस होता है दो पार्ट में होता है, पहले हम कांस्टेंट वॉल्यूम हीट ऐड करते हैं, उसके बाद हम कांस्टेंट प्रेशर हीट ऐड करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इनिशियल में पिस्टन यहाँ पर स्टेशनरी रहता है, जब हीट एडिंग हो रही है फर्स्ट पार्ट ऑफ हीट, थोड़ी देर बाद ये पिस्टन मूव करने लगता है और डाउन फ्यूल इज कमिंग कंटिन्यूसली और पिस्टन मूव कर रहा है, जैसे कांस्टेंट प्रेशर। ये जो प्रोसेस है, पहले कांस्टेंट वॉल्यूम और फिर कांस्टेंट, तो यहाँ पर हीट एडिशन दो पार्ट में होती है, पूरी मन को। और इस साइकिल की जो एफिशिएंसी है इसका फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पर ये जो बीटा है इसको हम बोलते हैं एक्सप्लोसिव रेशियो। ये एक्सप्लोसिव रेशियो कुछ नहीं होता, ये जो 3-2 प्रोसेस है जहां पर हम कांस्टेंट वॉल्यूम हीट ऐड कर रहे हैं, यहाँ के जो प्रेशर का रेशियो है इसको हम एक्सप्लोसिव रेशियो कहते हैं, क्योंकि ये जो P3 प्रेशर होता है ये एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, इससे ज्यादा अगर प्रेशर राइज होता है तो सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है, सिलेंडर फट सकता है। तो इस रेशियो को एक मैक्सिमम प्रेशर की कैप लगाई जाती है, तो कंप्रेशन प्रेशर से जो हाइएस्ट प्रेशर तक हम ऐड कर सकते हैं उस प्रेशर रेशियो को एक्सप्लोसिव रेशियो कहते हैं। तो ड्यूल साइकिल की जो एफिशिएंसी होती है उसका फॉर्मूला ये होता है, R इज अ कंप्रेशन रेशियो जो वहां से आता है, यहाँ बीटा यहाँ एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ये ऑलरेडी पहले भी था और डीजल साइकिल में,
टू माइनस वन हमने पहले भी किया था, लेकिन इसमें ये बीटा बीटा माइनस वन और बीटा वन बाय गामा हमने पहले भी मल्टीप्लाई किया था, अभी भी मल्टीप्लाई. तो ये जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है दैट इज एफिशिएंसी. सिमिलरली यहाँ पर मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ ड्यूल साइकिल आप देख सकते हैं, सभी के अंदर गामा माइनस वन और आर माइनस वन कॉमन है, सब में जो चेंजेस हो रहा है वो फर्स्ट और सेकेंड टर्म में, ये वाला पहले भी था बीटा मल्टीप्लाई, ये वाली टर्म यहाँ पर एक्स्ट्रा ही है, यहाँ पर बीटा. तो ये मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला होता है फॉर ड्यूल साइकिल. तो एक चीज तो आप देख सकते हो तीनों मीन इफेक्टिव प्रेशर के फॉर्मूले, यानी तीनों साइकिल के मीन इफेक्टिव प्रेशर के आपको फॉर्मूले दिखे. तो पहली वाली का मीन इफेक्टिव प्रेशर का जो फॉर्मूला था ऑटो साइकिल का वो क्या था, यहाँ पर पी वन आर ये कॉमन है सभी में, ये रहेगा इनिशियल प्रेशर और आर इज कंप्रेशन, आर की पावर गामा माइनस वन माइनस वन, आर पी माइनस वन दैट इज प्रेशर रेशियो, और ये टर्म सभी में. ठीक है, ये था आपका इसके लिए ऑटो साइकिल. उसके बाद हमने डीजल साइकिल का देखा. डीजल साइकिल में ये वाली टर्म इवन आर की पावर गामा, नीचे वाली टर्म कॉमन है. ठीक है, और क्या यहाँ पर रू वन माइनस गामा गामा रू माइनस गामा रू माइनस, यहाँ पर प्रेशर रेशियो वाली टर्म हट गई है, रो वाली टर्म आ गई, रो माइनस वन और रो और गामा माइनस वन, गामा यहाँ पर मल्टीप्लाई आर की पावर वन माइनस. फिर अगर डीजल साइकिल के प्रेशर मीन इफेक्टिव प्रेशर की बात करो, जबकि ये फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा, वेरी रेयर की ये पूछा जाएगा, बस इसमें ये याद रखो गामा माइनस वन आर माइनस वन यहाँ होता है, ये पी वन की पावर है, और ये देखो रो माइनस वन वहाँ पे भी था, ये वाली टर्म वहाँ पे भी थी, तो इसमें केवल ऐड होगा बीटा माइनस वन, ये ऑलरेडी वहां पर था, ये ऑलरेडी वहां. तो ये फॉर्मूले होते हैं. तो ये हमने इस क्लास में कवर किया. अब एक नेक्स्ट सेशन हम और लेंगे जिसके अंदर हम एफिशिएंसी वाला पार्ट कवर करेंगे. ओके, एंड क्वेश्चन यू कैन सी दिस. तो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द क्लास. आज बच्चों का इंटरेस्ट कम बहुत कम है, क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं. थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द क्लास. इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगी. प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल. पीडीएफ आपको अन अकेडमी लाइव टेलीग्राम चैनल. थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द क्लास, मीट इन द नेक्स्ट क्लास. अभी हमारी क्लास है, आज हमारा टेस्ट पेपर है फ्लूइड मैकेनिक्स, 8:30 से स्टार्ट होगा, 8:30 PM. तो प्लीज आना ना भूलिएगा 8:30 PM पर, यही यूट्यूब चैनल पर फ्लूइड मैकेनिक्स का पेपर है. अगर अभी तक आपने फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट कर लिया है तो